हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी छत का नज़ारा है। छत के ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे घर के आसपास का नज़ारा है, और यहाँ पर ना पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं और देखने में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो ये ना, जैसे कि वीडियो आजकल नहीं जा पा रही है तो ऊपर जाकर डालना पड़ता है, नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए फिर ना ऊपर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था तो यहाँ पर हमने वीडियो भी बना ली थी। और देखिए यहाँ पर ना नीम के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। और हम कोशिश कर रहे थे कि चारों तरफ का दिखा दें, लेकिन एक साइड का शायद ज़्यादा आया था, वरना तो ना उधर का भी बहुत अच्छा सीन आता है। जब हम अगर हम दिखाते तो आपको ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। वैसे ना ऊपर से अभी हम नीचे आए हैं तो यहाँ पर मैंने ना जूते वॉश किए थे अनुष्का के पापा जी के, तो उनको धूप में रख दूँगी। धूप निकल आई है और बहुत ही अच्छे से धूप निकल रही है। अभी ना बहुत गर्माहट है धूप में, बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है। अभी मैंने जर्सी पहने हुए है लेकिन मुझे इधर आकर ना गर्मी सी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इधर ना काम कर लेते हैं उसके बाद ही, पर अंदर जाऊंगी ना तो फिर सर्दी सी लगेगी, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं उतारा था। और यहाँ पर चलेगी धुलाई, इधर की साइड की धुलाई कर देती हूँ और उधर वॉशरूम की तरफ की भी धुलाई कर देती हूँ, तो ये ना इधर दोनों साइड के मेरे बाहर वाले काम हो जाते हैं ख़त्म, फिर अंदर के ही रह जाते हैं, तो अंदर फिर आराम से करते रहते हैं। अभी यहाँ पर पानी डाल दिया है मैंने, और एक बाल्टी पानी मैं और भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ना उसमें पानी कम था तो इसीलिए फिर मैं और भी लेकर के आ गई थी, तो फिर मैंने वो भी ले लिया है। अभी यहाँ पर पानी डाल दिया है, झाड़ू से पानी को आगे की तरफ कर दूंगी जिससे कि ना अच्छे से धुल जाए, फिर दोबारा से पानी डालूंगी मैं, तो भी यहाँ पर वही काम चलेगा मेरा। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, जैसे कि चिड़िया कबूतर ये सब बैठते हैं ना तो वो कर देते हैं गंदा, तो यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही थी यहाँ पर नीचे की साइड। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसको धुलने के बाद ना कपड़े डाल दूंगी इधर, जो भी कपड़े मैंने धुले थे, और मैंने ना कपड़े शाम में ही धुल लिए थे मशीन से, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे जाल पर जो मैंने रस्सी बांधी हुई है, क्योंकि रात को ओस पड़ती है तो बाहर तो नहीं डाल सकते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हें ना सुबह में उधर डाल देंगे, बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। पर फिर क्या हुआ कि धूप ना सामने की पहले उधर ही आती है तो कपड़े अच्छे से सूखने लगे थे, तो फिर मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि नहीं रहने देते हैं, है ना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, उधर की मैंने सफाई कर दी है तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। इधर मैंने ना दूध रख दिया है भगोने में गर्म करने के लिए, थोड़ी सी चाय रखी हुई थी और भगोना मैंने कर दिया है साफ, बर्तन साफ़ हो गए हैं, थोड़ी सी समय चाय थी, फिर मैंने क्या किया कि उसी मैंने गैस चला दी और उसी में गर्म कर लूँगी। और थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाल दी, क्योंकि चीनी मुझे ना चाय जब मैंने पी थी तो कम लग रही थी, और मुझे ना फीकी चाय अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा भी मीठा नहीं, पर हाँ इतना तो जो अच्छा लगे, जैसे कि थोड़ा तेज़ तो मैं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं पीती हूँ, पर ठीक ठाक हो। तो अभी यहाँ पर मैंने लिए थे डब्बे, तो अभी यहाँ पर वो वाले डब्बे में निकाल रही हूँ, और ये ना बहुत प्यारे लग रहे थे, जैसे कि कुछ भी इनमें भर लो चीनी वगैरह, और जैसे कि एक एक किलो दाल होती है वो भर लो, वैसे भी हमारे घर तो एक एक किलो ही दाल आती है, जैसे कि 1 किलो अरहर की ले ली, 1 किलो उड़द की ले ली, ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत अच्छी रहती हैं इन डब्बों में, तो वो ही यहाँ पर ले लिए थे, भैया आए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और ये छोटे डब्बे भी लिए थे 2-3, अभी ये डब्बे मैंने ऐसे ही रख रखे हैं, अभी निकाले नहीं हैं,
क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं थी, सामान आएगा घर का तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इनको निकाल लूँगी, लेकिन ना अभी इन दोनों डब्बों की ज़रूरत पड़ गई है मुझे, ये छोटे वाले डब्बे जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ गई है, तो अभी इनमें मुझे कुछ भरना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी मुझे इसमें क्या डालना है। और हम बोल देते हैं अपनी अपनी भाषा होती है कि भरना है या फिर हमें इसमें रखना है या डालना है ना। तो अभी यहाँ पर मैं एक हैंकी रखती हूँ, तो वो मुझे पाया नहीं था क्योंकि मैंने धुल करके सुखा दिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो अपने दुपट्टे से ही काम चला लेते हैं, ऐसा हम कर लेते हैं है ना। तो अभी यहाँ पर वैसे ही साफ़ थे लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा इनमें घुमाना था। अभी मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं, जो बादाम थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और एक थैली में है मुनक्खा। और ये ना सर्दियों में ये चीज़ें हमारे घर ज़रूर चलती हैं, जैसे कि मुनक्खा और बादाम दूध में डालते हैं शाम के टाइम, रात को जैसे पीते हैं ना दूध, उसमें अदरक डाल लेते हैं, बादाम डाल लेते हैं, मुनक्खा डाल लेते हैं, ये सब चीज़ें डलती हैं। और अनुष्का के पापा जी तो ना जैसे कि सौंठ वगैरह होती है उसको भी लेते हैं दूध के साथ। वैसे ना सर्दियों में सही रहती हैं ये चीज़ें, तो मैं पोलोथीन में अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने रात डाले थे इसमें से, तो फिर पोलोथीन में ये रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डब्बों में भर देते, बड़े ही प्यारे लग रहे थे भर करके, दे देखिए। और ना जो भी थैली में जितनी भी चीज़ें थी अच्छे से डब्बों में आ गई हैं, और मेरे पास ना ऐसे डब्बे और भी हैं लेकिन एक भी खाली नहीं है, सब में सामान ही भरा हुआ है। तो अभी मैंने इनमें भर के अच्छे से रख दिया है सामान को, और अभी ना इनको मैं नीचे रख दूँगी। तो यहाँ से किचन का काम करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पर ये अभी ना बिस्तर वगैरह मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं। वैसे ना टाइम काफ़ी हो गया है, पर ये है कि ना कंबल तो मैं रखे रखती हूँ यहाँ पर अभी तय करके, और बेडशीट वगैरह झाड़ करके बिछा करके यहीं पर रख दूँगी, जब भी लेटते हैं ना कंबल के बिना लेट ही नहीं पाते हैं। और अभी यहाँ पर जैसे कि ये दवाई का बॉक्स है, यहाँ पर मूव वगैरह दवाइयाँ मैं रखती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है रात को कभी भी तो मुझे लेनी पड़ती हैं, और वही सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पर रख रही थी देख देख करके। और ये बेड के ये ऊपर खा सिराना जो बोलते हैं वहाँ पर वो रखा हुआ है, जैसे कि गुड़ वाला टिपन, जैसे कि टिपिन है ना ये, इसमें मैं गुड़ रखती हूँ, तो डब्बे को तो रख नहीं सकते हैं, इतना बड़ा डब्बा अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं इस टिपिन में रख लेती हूँ, जब भी मन होता है ले लेते हैं खा लेते हैं। और मैं ना मेरा ये हर सर्दियों का रूटीन है तो यहीं पर रख लेती हूँ। और ये सॉल्ट का डब्बा रखा हुआ है, जैसे कि रात को दूध पीते हैं ना तो अनुष्का के पापा जी लेते हैं, कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, तो वो तो डेली ही लेते हैं, जैसे कि उनका सर्दी का काम है, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं वो, तो उनको हो जाता है, उनको ना फिर सर्दी सी लग जाती है, तो वो ले लेते हैं दूध के साथ डेली ही, तो यहीं पे रखा हुआ है, इसको भी रख के आऊँगी। और ये ना सामान सुबह रात को रखने, सुबह को उठाने, ये काम बहुत हो जाते हैं। वैसे मैं गुड़ को तो नहीं उठाऊंगी, यहीं पर रखे रहने देती हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी काम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी लेटते हैं तो मूंगफली वगैरह खाने का मन होता है सर्दियों में, तो ना फिर गुड़ के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मूँगफलियाँ, मैं बहुत खाती हूँ गुड़ के साथ। और किस किस को पसंद है आप सब भी बताना। तो यहाँ पर चल रही है अभी बेड की क्लीनिंग, बेड शीट को अच्छे से झाड़ना बिछाना, कंबल की तह करना, ये सारे काम अभी यहाँ पर मेरे चल रहे हैं। और ना जब बेड शीट अच्छे से सेट हो जाती है ना तो रूम ऐसे एकदम चेंज सा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। और अभी ना जैसे कि मूंगफली वगैरह खाते हैं ना, तो चाहे हम कितना ही झाड़ लें लेकिन जब तक हम बेड शीट को उठा करके अच्छे से नहीं झाड़ते ना तब तक अच्छे से साफ़ नहीं होती, और फिर भी ना एक आधा छिलका गिर ही जाता है। अभी ये मूँगफलियाँ हैं ये, इनको भी मैं यहीं पर रख दूँगी। और ना सर्दियों में इतना सामान हो जाता है ये सब बेड में कि ना जगह भी नहीं रहती है, तो मैंने मूँगफलियाँ रख दी हैं अंदर बेड में।
और जब ना सुबह में बाहर की धुलाई वगैरह कर देते हैं, पशुओं का काम ख़त्म हो जाता है, ये सारे काम हो जाते हैं ना, तो काम ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हमारा हो गया है, अब ज़्यादा काम नहीं रहा है ऐसा लगता है। और इसीलिए ना मैं ये सब काम करती हूँ। फिर क्या है कि मैं बाहर का काम छोड़ देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वहाँ पर जाना है, अभी मुझे पशुओं का काम करना है। लेकिन मेरा ये रूटीन है कि मैं ना सुबह में चाय पीने के बाद अनुष्का को जैसे कि लंच वगैरह दे करके और उसे स्कूल जब वो चली जाती है उसके बाद ना फिर मेरा यही रूटीन रहता है। मैं पहले इधर उधर ये जैसे कि छत को इधर साफ़ करना, धुलाई करना और फिर उसके बाद ना पशुओं का काम करना, तब मैं ना ये काम करती हूँ ये वाला, जैसे कि बेडशीट को सेट करना, कमरे को अच्छे से सेट करना, डस्टिंग करना, झाड़ू करना, ये मेरा बाद का काम रहता है। सुबह में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, गिनती ही नहीं रहती, करते भागते भागते काम करते हैं तब भी ना। अब तो दिन इतना छोटा है कि हम जितनी तेज़ हम दौड़ लगाते हैं ना काम करने में, उससे भी ज़्यादा तेज़ ना ये जो दिन छोटा होने लगा है वो दौड़ता है। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद ना हम टाइम से काम कर पाते हैं इन दिनों में। सर्दियों में ना ऐसा ही होता है, कड़ी मेहनत लगती है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है जब सारा काम रूटीन में आता है। वरना अगर हम 15 या 20 मिनट के लिए बैठ गए ना, तो वो 15-20 मिनट ना हमें कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए लेट कर देती हैं। अभी यहाँ पर ये प्रेस है, उस दिन ना आपने देखा था कि प्रेस हमारी बेकार हो गई थी, उसमें बहुत तेज़ वो हो गई थी ना, आग सी जली थी, तो ये वाले प्रेस लेकर के आए अनुष्का के पापा, जो कई दिन हो गए हैं इसे आए हुए, ये देखिए। और आजकल ना हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये देखिए डब्बे हैं, ये हैं, और अभी आगे मैं दिखाऊंगी जो मैं उस दिन डॉक्टर के यहाँ पर गई थी जब मैं लेकर के आई थी। और प्रेस ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, कलर तो है ही है लेकिन मैंने इसे प्रेस की थी ना गाइस तो भी अभी बहुत हम पसंद डॉक्टर के आई। यहाँ से आ गए हैं दिखा करके, और काफ़ी टाइम लग गया है हमें डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि ना डॉक्टर के यहाँ पर जाने के बाद टाइम लग ही जाता है, क्योंकि ना बारी बारी नंबर आता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं गई मेरा ही नंबर आ गया, तो काफ़ी टाइम लग गया है। लगभग अभी 4 बजने वाले होंगे और मुझे आधा घंटा हो गया है आए हुए। अभी ना सुबह के गए हुए थे, भूखे पेट ही गए थे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होने थे तो उसमें खाली पेट ही जाना होता है। तो उसके बाद ना फिर अभी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो हम थोड़े समोसे वगैरह लेकर के आए थे, पिज्ज़ा लेकर के आए थे, वो अभी खाया है, पानी पिया है। प्यास ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और पानी पीना उन्होंने बताया भी है डॉक्टर ने कि पानी ज़्यादा पीना है। तो फाइनली अभी हम घर आ गए हैं, मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, सुबह से अच्छे से बात ही नहीं हो पाई है। अभी ना मैं कुछ लेकर के आई हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ क्या लेकर के आई हूँ, साथ के साथ दिखा देते हैं तो सही रहता है, फिर टाइम मिलता ही नहीं है। तो अभी ये मैं डेली के लिए कप लेकर के आई हूँ जो कि हमारे फूट गए थे, ये 6 कप लेकर के आई हूँ मैं ये वाले, और सफ़ेद कलर में ये, खोल करके दिखाती हूँ अभी आपको, और बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन बस मैं 6 ही लेकर के आई थी क्योंकि ना मुझे डेली के लिए चाहिए थे, ऐसे नहीं मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए थे मुझे, क्योंकि रखे हुए थे घर, तो डेली के लिए ही लेकर के आई हूँ। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, खोलना है मुझे, निकालने ही है क्योंकि कप ना सारे ही फूट गए हैं। तो ये वाले कप हैं, ये इनमें यहाँ पर हल्का सा डिज़ाइन है जो कि ना कैमरे में आता नहीं है शायद, हाँ अब आ रहा है, ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाले तो कफ हैं, ताकि इसमें यहाँ पर निशान सा कैसे बन रहा है, अनुष्का देखना इसमें जोड़ सा कैसे है, तो क्या हुआ है, वैसे तो नहीं फूटा हुआ तो नहीं है क्योंकि इसमें अंदर पैक रखे हुए थे अच्छे से, वैसे ही है ना जोड़ सा है साइड में जोड़, हाँ वैसे सब में ही है कि इसमें तो नहीं है, इसमें लग रहा है मुझे, है ना उसमें, इसमें तो नहीं है, देखना क्या है, फूट रहा है क्या, दिखाना दिखाना मुझे, मुझे लगता है ये फूटा हुआ निकल आया है, निकल नहीं आया, फूट ही रहा है, ये तो बेकार है। चलो देखते हैं, इसमें पानी डाल के देखना। 2 कप ये वाले लेकर के आई हूँ मैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, ये वाले, ये देखिए ब्लैक कलर में बहुत ही प्यारे हैं, अनुष्का के लिए लेकर के आई हूँ मैं ये वाले, अनुष्का ने बोला था कि ब्लैक कलर के ही लेकर के आना, दिखाना बाबू इसमें पानी भर के देखना। और एक ये वाला लेकर के आई हूँ, जैसे कि लहसुन वगैरह बादाम वगैरह कुछ इसमें पीसने हों तो सही रहता है, ये वाला यही लेकर के आई हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आई हूँ, और सब्जी वगैरह लेकर के आई हूँ, वो भी मैं खाली करूँगी, पोलोथीन ऐसे ही रखी हुई है,
और अभी ना मन हो रहा है कि मैं ना थोड़ी देर आराम कर लूँ, कुछ काम ना करूँ, ऐसा मन हो रहा है। और एक ये लेकर के आई थी अनुष्का के ही लिए फेस वॉश। पहले इसको सारे को नहीं भिगोना बाबू, ऊपर से पानी ही भरना है इसमें, तभी पता चलेगा। इसे धो लोगे तो फिर नहीं पता चलेगा, फूट ही रहा है मुझे लगता है ना, शायद फूट ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, अंदर इसमें रखे हुए थे, मुझे तो लगता था कि ठीक होंगे, पर पता नहीं कैसे एक इसमें ना चटका हुआ निकल आया था। क्या कर सकते हैं, इसे खोल के वहाँ पर भी नहीं देख सकते थे। चलो कोई नहीं, कभी कभी ना इतनी निगरानी के बाद भी हमारे साथ धोखा हो जाता है। रख देते हैं। तो चलिए अभी सब्जी वगैरह देखती हूँ, खाली करती हूँ, पहले उससे पहले आराम करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक कप चाय पीने का भी ना बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, सुबह से होता है जब हम कहीं से थक कर के आते हैं तो मन होता है कि चलो चाय पी लेते हैं, तो वही वाला मेरा मन हो रहा है। तो अभी ना आपसे थोड़ी देर बाद में बातें करती हूँ। और अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम चाय ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी सर्दियों में। सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं हम इसके बिना। तो अभी यहाँ पर चाय बन रही है शाम वाली, अदरक वाली। और ना ये भगोना काला सा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया था, और पानी गर्म करने के बाद ना भगोने का कलर चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह जो भी धुल करके रखी है वो सब मैंने यहाँ पर रख दी है। कुछ सब्जी ऐसी थी जैसे कि प्याज वगैरह, आलू वगैरह, वो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। और यहाँ पर है ये हरा धनिया और सरसों का साग। और मुझे ना सब्जी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जब सब्जियाँ दुकान पर लगी रहती है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर रखी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको भी दिखाते हैं, है ना, कितनी प्यारी लगती है ना सब्जियाँ। और अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और आप सब भी आ जाइए चाय और समोसा खाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।